हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ यश बागुल, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDC UI। जो अलग अलग स्टूडेंट साइंस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो यूज होते हैं, उसमें से लगभग सारे स्टूडेंट हमारे कंपनी में मैन्युफैक्चर होते हैं। उसमें से डबल साइडेड PCB यूज करके अप डाउन काउंटर यूजिंग IC74193 इस एक्सपेरिमेंट का मैं डेमो, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो समझने के लिए बहुत आसान है, ये वीडियो एंड तक देखिए। ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा अगला नया आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर देखते हैं अप डाउन काउंटर एक्सपेरिमेंट का डेमो। ये अप डाउन काउंटर का सर्किट डायग्राम है, उसमें हमने 74193 IC का यूज किया है। पिन नंबर 16 5 वोल्ट सप्लाई पिन है, पिन नंबर 8 ग्राउंड पिन है, पिन नंबर 5 अप काउंटर के लिए इनपुट पिन है, पिन नंबर 4 डाउन काउंटर के लिए इनपुट पिन है, पिन नंबर 14 क्लियर पिन है और पिन नंबर 15 1 10 और 9 ये प्रोग्रामेबल स्विच पिन है। करंटली ये सब ओपन है, इसके लिए मैक्सिमम काउंट 15 होगा। अगर आपको मैक्सिमम काउंट 14 करना होगा तो पिन नंबर 9 को ग्राउंड करना पड़ेगा। पिन नंबर 11 लोड पिन है, पिन नंबर 13 बोरो आउटपुट पिन है और पिन नंबर 12 कैरी आउटपुट पिन है। पिन नंबर 3, 2, 6 एंड 7 BCD आउटपुट पिन है, उसमें हमने सीरीज में रेजिस्टेंस और 4 LEDs कनेक्ट किया है। ये राइट मोस्ट LED LSB है और लेफ्ट मोस्ट MSB है। इसका वेटेज 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है और इसका 8 है। और मैं आपको अब वर्किंग एक्सप्लेन करूंगा। पहले अप काउंटर का। अगर हम पिन नंबर 5 को स्क्वेयर पल्सेस देंगे, मान लो फर्स्ट पल्स दिया तो ये राइट मोस्ट वाला LED ऑन होगा तो काउंट 1 होगा। अगर सेकेंड पल्स दिया तो ये वाला LED ऑन होगा तो काउंट 2 होगा। अगर थर्ड पल्स का या ये दोनों LED ऑन होंगे क्योंकि इसका वेटेज 1 है और इसका 2, 1+2 3, इसके लिए ये दोनों LED ऑन होंगे। आगे ऐसा ही 15 तक काउंट होगा। अब आते हैं डाउन काउंटर के लिए। सेम स्क्वेयर पल्सेस हम पिन नंबर 4 को देंगे तो स्टार्टिंग में डाउन काउंटर के लिए सारे LEDs ऑन होंगे तो काउंट स्टार्टिंग में 15 होगा। उसके बाद जब हम फर्स्ट पल्स देंगे तो राइट मोस्ट वाला LED ऑफ होगा तो काउंट 14 होगा। सेकेंड पल्स देंगे तो ये वाला LED ऑफ होगा और सारे LED ऑन होंगे तो काउंट 13 होगा। अगर थर्ड पल्स देंगे तो राइट मोस्ट 2 LEDs ऑफ होंगे और काउंटर 12 होगा। ऐसे ही आगे 1 तक काउंट होगा। तो ये है डाउन काउंटर का वर्किंग। तो चलिए फिर देखते हैं एक्चुअल एक्सपेरिमेंट बोर्ड पे कैसा वर्क करता है। ये है अप डाउन काउंटर एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यहाँ पे 12 वोल्ट DC देना है एडाप्टर से। उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टर है और 5 वोल्ट का जीनर डायोड है तो पूरे सर्किट में 5 वोल्ट जाता है। उसके बाद ये स्विच है, इसमें हम अप काउंट और डाउन काउंट ये मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले हम सिलेक्ट करते हैं। ये IC555 है, ये स्क्वेयर पल्सेस जनरेट करता है और यहाँ पे ये LED ब्लिंक होता है और उस LED का ब्लिंकिंग रेट हम इस पोटेंशियोमीटर नॉब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका स्क्वेयर वेव आउटपुट ये IC74193 के इनपुट को जाता है और ये आउटपुट हमें BCD फॉर्म में मिलता है। ये BCD फॉर्म में LEDs लगाए, ये LSB है और ये MSB है। इसका वेटेज 1, 2, 4 एंड 8 है। उसके बाद ये रीसेट पिन है, रीसेट बटन है, उसे दबाने पर ये ऑलरेडी LEDs क्लियर हो जाते हैं। और हम शॉर्ट में इसका वर्किंग देखेंगे। अप काउंटर के लिए मैं यहाँ पर लीवर अप करता हूँ। यहाँ पे स्क्वेयर वेव पल्स जाते हैं इस 74193 के लिए। अगर फर्स्ट पल्स जाता है तो ये 1 काउंट करेगा, सेकंड पल्स जाता है तो ये 2 काउंट करेगा, थर्ड पल्स जाता है तो ये दोनों LEDs ऑन होंगे क्योंकि इसका वेटेज 1 है और इसका 2,
टू प्लस वन थ्री, तो ये दो एलईडी ऑन होंगे। तो फोर्थ पल्स जाता है तो ये एलईडी ऑन होगा। फिफ्थ पल्स के लिए ये दोनों एलईडी, ये और ये एलईडी ऑन होगा। सिक्स्थ पल्स के लिए ये और ये, फोर प्लस टू सिक्स, ये एलईडी ऑन होगा। ऐसा ही फिफ्टीन तक जाएगा और डाउन काउंटर के लिए भी सेम होगा। डाउन काउंटर के लिए ये स्टार्टिंग में पूरे एलईडीज ऑन होंगे तो काउंट 15 होगा। अगर फर्स्ट पल्स जाएगा तो काउंट 14, ये एलईडी ऑफ होगा। सेकंड पल्स के लिए काउंट 13 होगा और ये एलईडी ऑफ होगा। ऐसा ही काउंट डाउन टू 1 जाएगा। ये हुआ कंस्ट्रक्शन, अब हम वर्किंग देखते हैं। तो मैं अब यहाँ पे सप्लाई को ऑन करता हूँ। सो यहाँ पे हम अप काउंटर मोड सिलेक्ट करते हैं और मैं रीसेट बटन दबाता हूँ। ये फर्स्ट पल्स, ये एलईडी देखेगा 1, सेकंड पल्स के लिए 2, थर्ड पल्स के लिए 3, फोर्थ पल्स के लिए 4, फिफ्थ पल्स के लिए ये 2 फिफ्थ, सिक्स पल्स के लिए 6, सेवन के लिए ये 3 7, एट के लिए ये अकेला 8, नाइन के लिए ये 2 9, टेन के लिए ये 2 10, इलेवन के लिए ये 3, ट्वेल्व के लिए ये 2, थर्टीन के लिए ये 3 ऑन होंगे, फोर्टीन के लिए ये 3, फिफ्टीन के लिए ऑल एलईडीज ऑन होंगे। काउंटर स्टॉप। फिर हम डाउन काउंटर का देखेंगे। ऑल एलईडीज ऑन होंगे, ये 14 हो गया, ये 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और लास्ट का ये 0। ये हुआ इस पूरे एक्सपेरिमेंट का वर्किंग। ये एक्सपेरिमेंट करते समय डॉक्टर डेकरे सर का हमें टेक्निकल सजेशन और गाइडेंस मिला। सो अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो और सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमें बताइए, और थैंक यू। परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाई आयोजित 6 दिवसांचं प्रॅक्टिकल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्प्युटर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। पात्रता: इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्प्युटरचे शिक्षण आवश्यक, बीई, डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी झालेल्यांसाठी उपयुक्त। या ट्रेनिंग मध्ये भरपूर प्रॅक्टिकल सह मुलाखतीची तयारी करून घेतली जाते, ज्यामुळे जॉब मिळणं सोपं जातं। ट्रेनिंग साठी संपर्क डॉक्टर ढेकळे, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एमआयडीसी वाई, मोबाईल 98 222 41 255। लेक्चर संपल्याची बेल अगदी वेळेत झाली ही किमया आहे परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्सच्या ऑटो लेक्चर बेलची। एवढंच नाही तर आता परफेक्टच्या ऑटो राष्ट्रगीत प्लेअरवर तुम्हाला हव्या असलेल्या वेळेवर दररोज स्वयंचलितपणे राष्ट्रगीत वाजवा। शाळा कॉलेज साठी उपयुक्त संपूर्ण ऑटोमॅटिक परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्सचे ऑटो लेक्चर बेल आणि ऑटो राष्ट्रगीत प्लेअर। फ्री डेमो आणि इन्स्टॉलेशन साठी संपर्क परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एमआयडीसी वाई, मोबाईल 98 222 41 255।